हेलो एवरीवन, बीइंग अ मदर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो भी बहुत खास है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है, तब आपको आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जाना है, कब लेके जाना है, ये सब बातें या ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के थ्रू बताऊँगी। सबसे पहली बात जो है कि हमें अपना हॉस्पिटल बैग कब पैक करना चाहिए। देखिए, मैंने अपना हॉस्पिटल बैग 37th वीक लगते ही पैक कर लिया था, और जो भी चीज़ें हमने बेबी के लिए लेनी थी या मेरे लिए लेनी थी, वो हमने 37th वीक लगने से पहले ही मार्केट से खरीद ली थी। तो आप भी अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो 37th वीक लगते ही या उससे भी पहले आप पैक कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है। इसलिए इमरजेंसी के लिए आप अपना जो बैग है वो हमेशा पहले से ही रेडी रखेंगे। तो अब आता है क्या पैक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चे के कपड़ों की बात करेंगे। बच्चों के लिए आप जो भी कपड़े खरीदेंगे उसे आप अच्छे से वॉश करेंगे, धूप में अच्छे से सुखाएंगे और अच्छे से आयरन करके ही पैक करेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बच्चे के कपड़े हमेशा वॉश करने हैं पहले, फिर आपको पैक करने हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे चीज़ पैकिंग के लिए रखी है वो थे टॉवल। 2 से 3 टॉवल आप रखिए, और एक कपड़ा भी रखिए मलमल का या कॉटन का। उसके बाद ड्राई वेट शीट और 2 स्वाडल रखिए। उसके बाद मैंने अपने बेबी के लिए क्लोथ के जो नैपी हैं वो भी लिए थे, इन केस अगर मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। अगली चीज़ जो आपको बेबी के लिए पैक करनी है वो है कैप्स, और आपको 2 से 3 हैंकी, छोटे छोटे मिटेंस, सॉक्स बेबी के लिए। आप ध्यान रखें कि जो सीज़न चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप बेबी के जो कपड़े हैं वो आप मार्केट से बाय करें। यहाँ पे जो पड़ा है, यहाँ पे है वेस्ट पड़ी हैं और छोटे छोटे उसके लोअर पड़े हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के जो लोअर हैं वो ज़्यादा ही लेने चाहिए क्योंकि वो बहुत गंदे करते हैं। और यहाँ पे रोम्पर या बॉडी सूट, जो भी से आप कहते हो वो रखे हैं। इन्हें भी आपको जितने भी क्लोथ्स हैं अच्छे से वॉश करने हैं, आयरन करने हैं, फिर आपको बैग में पैक करने हैं। और यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए डायपर है वो भी मैंने रखे हैं। आप भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो डायपर है ऐसे भी रख सकते हैं, और कॉटन के जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो आ जाता है बेबी के लिए, ये सामान है। इसमें क्या है, इसमें है वेट वाइप्स, क्योंकि वो बार बार पूप करता है, उसके लिए वेट वाइप्स रखने हैं आपको। और बेबी के लिए बॉडी लोशन, आप कोई भी लोशन है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाले लोशन लिए थे। और बेबी के लिए कॉम और ब्रश, ये स्पेशली जो डिज़ाइन किए गए होते हैं ये बेबी के लिए किए गए होते हैं, तो आप भी जो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं वही कॉम और ब्रश बेबी के लिए खरीदेंगे। और यहाँ पे है उसका जो लिक्विड बेदिंग सोप वो रखा है। और अगली चीज़ जो है इसमें वो है डाइपर क्रीम या रैश क्रीम, और ये है हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि बेबी जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो मैंने इसमें रखी थी वो है ये मस्किटो रिपेलेंट, इसकी भी आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ सकती है। अगली चीज़ जो आप रख सकते हो वो है ये छोटा सा नेल कटर, स्पेशली नेल कटर जो आपको या नेल क्लिपर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये था वो सामान जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए ज़रूरी है या न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप हॉस्पिटल के लिए लेके जाएंगे। अब बात करते हैं मदर के लिए। मदर के लिए जो आप चीज़ें ले जा सकते हो या आप लेके जाओगे, वो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पाउच बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो डाली हुई हैं, जैसे कॉम, फेस वॉश, अपना बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र, रबर बैंड, लिपस्टिक, टूथब्रश। सो ऐसा छोटा सा पाउच जो है आप बना के रख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हॉस्पिटल में मदर के लिए या मदर ने अब हॉस्पिटल में लेके जानी है वो है क्लोथ्स। आप मेटर्निटी क्लोथ्स बाय कर सकती हो या जो भी आपके आपको कंफर्टेबल लगते हैं वैसे क्लोथ्स आप बाय करके, और एक टॉवल
ये भी आप रखोगे, और आप जो सैनिटरी पैड्स हैं वो भी आप पैक करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आप अपने हॉस्पिटल वालों से ज़रूर पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मेरे हॉस्पिटल वालों ने बेबी के लिए सोप, उसके लिए डाइपर, उसके लिए क्रीम सारी पहले से प्रोवाइड की थी, और टॉवल ब्रश वगैरह भी मदर के लिए उन्होंने पहले से दिया था। ये जो लास्ट चीज़ है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वॉलेट। आपको अपना कैश या कार्ड रखने के लिए ऑब्वियसली वॉलेट तो चाहिए होगा, तो आप ये वॉलेट भी जो है अपने जो बैग है उसमें कैरी करेंगे। सो ये सब चीज़ें थी जो आप अपने हॉस्पिटल बैग में लेके जाएंगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। टिल देन बाय बाय।